हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कैट की ड्राइंग करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द आईज। प्यूपल भी बना लेंगे आईज के अंदर। फेस फॉर्म करना शुरू करेंगे, दो लाइंस ड्रॉ करेंगे लाइक अ वी। अब फेस का सेंटर पार्ट ड्रॉ करना शुरू करना है। नोज थोड़ा डार्क भी रखेंगे। सो यहाँ मैंने सिर्फ एक पेंसिल यूज की है फॉर द होल ड्रॉइंग, जो है ग्रेफाइट लीड 2B पेंसिल ऑफ कैमलिन। आप कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हैं। प्यूपल को शेड कर लेंगे, डिटेल्स ऐड करनी शुरू करेंगे फेस की, और साथ ही साथ शेडिंग भी करेंगे। आईज और नोज डार्क रखेंगे ताकि ड्राइंग थोड़ी उठ के आए। अब हमने ईयर्स ड्रॉ कर लेने, साथ ही साथ शेडिंग करते जाएंगे। कुछ एरियाज लाइट रहेंगे, कुछ एरियाज डार्क। क्यूटिप या ईयरबड लेंगे, उसकी मदद से थोड़ा ब्लेंड करेंगे ड्राइंग को। विस्कर्स ड्रॉ करेंगे कैट के दोनों साइड्स में। ऐसे ही शेड करते हुए फेस कंप्लीट कर लेंगे। नोज और फोरहेड पर भी थोड़े डिटेल्स ऐड करेंगे हम। Now we'll move towards the body part. बैठी हुई है बिल्ली, तो बैक ड्रॉ करेंगे और लेग्स ड्रॉ करना शुरू करेंगे। Weaver shade and use Q-tips to blend. पहले I used to use my finger to blend, लेकिन Q-tips are easier to use, specially जब भी छोटी जगह पे हमने शेड करना होता है। अभी अगर आपको लगता है कि कुछ एरियाज को ज़्यादा डार्क होना चाहिए तो उन्हें डार्क कीजिए पेंसिल से। होता क्या है, ड्राइंग करने के बाद अगर थोड़ा ब्रेक लो या गैप लें तो वापस जब देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी है। सो बाकी बॉडी को भी शेड कर लेंगे बिल्ली की, साथ ही टेल को भी शेड करेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड द ड्राइंग। होप यू ऑल लाइक इट। डू गिव इट अ ट्राई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।